नमस्कार सभी को, यूथ रिच लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10वीं क्लास साइंस विषय के अनुवांशिकता एवं जीव विकास के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में एक अंक के आते हैं। इससे पहले वीडियो में भी हमने इसके 6 क्वेश्चन किए थे और आज हम इसके और क्वेश्चन करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है, आर्कियोटैक्सी सरीसृप तथा किसके बीच एक संपर्क सेतु है। ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी स्तनधारी, ऑप्शन सी अभयचर, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के बाजू तथा छिपकली के अग्रपाद है। ऑप्शन ए है समजातंग, ऑप्शन बी समवृत्तियंग, ऑप्शन सी अवशेषंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? समजातंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवों के लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित है। ऑप्शन ए है जीन द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका दर द्वारा, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली द्वारा, ऑप्शन डी रिक्तिका द्वारा। तो राइट आंसर है जीवों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, अंग जिनकी संरचना समान होती है तथा कार्य भिन्न हो सकता है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है समजात अंग, ऑप्शन बी समवृत्ति अंग, ऑप्शन सी अवशेष अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 11, अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है तथा कार्य समान होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी समवृत्ति अंग, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी अवशेष। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समवृत्ति अंग। धन्यवाद सभी।